पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने मुंबई के पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेगा प्लान बताया। शरद पवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सपा और एनसीपी का गठबंधन हुआ है और अब सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही चर्चा करने की बात कही। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर राज्य शामिल है। इस दौरान शरद पवार ने खुद उत्तर प्रदेश का दौरा करने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी में सपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इस संबंध में शरद पवार ने बताया कि एनसीपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। चुनाव की शुरुआत करने की आवश्यकता, इस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है और इसमें मुझे लेकर बाकी सब हम लोग शामिल होने वाले हैं। मैं देखता हूँ और कई साथियों से बात करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। आज मुझे खुशी है कि सिराज मेहंदी साहब जो वहाँ के विधान परिषद में 6 साल सदस्य थे, 30 से 40 सालों से गांधी नेहरू की विचारधारा को लेकर काम करते थे, कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारी स्टेट लेवल से उन्होंने संभाली और उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना। इनके लिए कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना, साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का एक आवश्यकता है, ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाले जितने पार्टीज है उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने का उन्होंने तय किया। साथ साथ पिछले 40 से ज़्यादा साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए कई जिले में उनके साथी हैं, वो सब साथियों के साथ बातचीत करके ही वो यहाँ आए हैं और वापिस जाने के बाद वहाँ उनके साथियों के साथ वो अनाउंसमेंट करेंगे और मैं भी एक दिन जाकर उनके साथ एक पब्लिक मीटिंग में उनके साथ हिस्सा लूँगा। मैं सिराज मेहंदी साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो कई साथियों से साथ हमने बात की है, इससे मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है, कल ही मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि 80% लोग हमारे पास है, खाली 20% लोग हमारे साथ नहीं है। ऐसा मैं जो मीनिंग समझता हूँ, अर्थ समझता हूँ, 20% लोग कौन हो सकते, जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो सभी का प्रतिनिधि हो सकता है।
20% छोड़कर बाकी सब लोग हमारे हैं, इस तरह का बयान देश के और राज्य के माइनॉरिटी को ठेस देने वाला बयान है। और इस तरह का सब बयान मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता, मगर इनकी विचारधारा ही ऐसी है और इससे उन्होंने उनके मन में जो बात है वो बात अपने स्टेटमेंट के माध्यम से की। इससे एक बात सामने छूटी है कि देश में सिक्योर थिंकिंग मजबूत करना हो, एकता को ताकत देना हो, तो इस तरह की एक लिमिटेड आइडियोलॉजी का विचार इनके भलक इन सेक्शन के हितों की रक्षा की भूमिका मुझे लगता है कि देश के लिए समाज के लिए ठीक नहीं।